गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आनंदी माँ नरहरि भाई पांडे जी साहा जी को भी मेरा नमन, सुरेश भाई को भी मेरा नमन। मेरा नाम जसबीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा से हूँ और हरियाणा पुलिस में एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काम करता हूँ। 2004 के मैं पुलिस में भर्ती हुआ था और तभी मेरा ट्रेनिंग के लास्ट पीरियड में एक घुटने में झटका लग गया था परेड टाइम में। तो उसके बाद ट्रेनिंग में जैसे कैसे इसमें स्वेलिंग आ गई और गोलियां लेके काम चलाया। उसके बाद बाहर गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो ये ज्वाइंट है इसकी आर्थोस्कोपी करनी पड़ेगी और 2006 में आर्थोस्कोपी हुई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसके दो साल बाद ऐसे ही चलता रहा। अगले डॉक्टर ने फिर वो पिछले डॉक्टर की रिपोर्ट देखी और सेम फिर आर्थोस्कोपी कर दी। उसके बाद दो साल बाद 2010 में फिर डॉक्टर ने उन दोनों डॉक्टरों की रिपोर्ट देखी, फिर वही सेम आर्थोस्कोपी कर दी। लेकिन इसमें हालात और भी खराब हो गए और चलना फिरना मेरा मुश्किल हो गया। धीरे धीरे खान पान जैसा था वजन भी बढ़ता गया और फिर मैंने 2016 में एक टेस्ट करवाया कि कहीं एक डॉक्टर ने कहा कि आप एक टेस्ट कराओ बोन टीवी का, तो वो उसमें पॉजिटिव मिला। तो उससे क्या होता है कि हड्डी अपने आप ही बहुत कमजोर हो जाती है और कहीं से भी टूटने की आशंका ज्यादा रहती है। तो 2020 में मेरा वजन 90 केजी से भी ज्यादा हो गया था और 2020 में मेरी कार का एक एक्सीडेंट हुआ और हल्का सा झटका लगा, इतना ज्यादा जोर का भी झटका नहीं था लेकिन थोड़े से झटके से ही एक पट से टूट गई बिल्कुल, ये टांग अलग हो गई थी। उसके बाद हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने यहाँ पे अभी प्लेट डली हुई है इसमें, तो यहाँ से ऊपर से हड्डी ली और इसको फिल करके मतलब दोबारा किया और उसके बाद मैं बिल्कुल ही चलना फिरना बिल्कुल ही बंद हो गया। वो करके सारा एक मैं 3-4 महीने चला लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं था। 2020 में मैं वैसे तो 2019 से वीडियो देखी है मैंने एनडीएस की लेकिन उसकी पालना नहीं की, सोचा कि ना तो कोई व्यू है ना कुछ, मैं शायद यूट्यूब पे जैसे देखते हैं ना हजारों वीडियो आते हैं निकलते, तो उससे भी मैंने कोई इतना मतलब उसको दरकिनार करके आगे बढ़ गया तो डॉक्टर के सहारे ही चलता रहा। 2020 में मैंने जब कोई रास्ता ना मिला तो गुरु जी की वीडियो को मैंने देखा और उसकी पालना करने के लिए शुरू किया मैंने, और शुरू करते हुए जब मैंने किया तो मेरा वजन तेजी से गिरने लगा और तेजी से गिर के मेरा वजन 3 महीने में 90 केजी से 58 केजी पे आ गया, 32 किलो वजन कम हुआ। और 32 किलो कम होने के बाद थोड़ा आराम हुआ और दर्द वगैरह बिल्कुल ही मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ और फिर जब वजन कम हुआ तो मैंने गुरुजी से जूम मीटिंग में बात हो रही थी तो गुरुजी ने बोला कि मैंने कहा गुरुजी सारे रिश्तेदार सब यार दोस्त ये कहते हैं कि तो टीबी का मरीज बन गया भाई और मेरी माँ भी कहती थी कि कुछ खा लिया कर नहीं तो क्यों अपनी देह का नाश कर रखे अपने जीवन। तो गुरुजी ने मुझे एक गीत सुनाया था, उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, मैं आपको बाकी सुनाता हूँ दो लाइन। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और उसी राह पर चलते हुए आज भी लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं। 2021 में थोड़ा मूड आया कि माता जी के साथ भी हमारी मुलाकात हुई, सुरेश भाई के साथ रोहतक मिलते रहते थे। उसके बाद मैं थोड़ा ट्रेनिंग में गया तो वहां पे मुझे कुछ मतलब बाहर जा नहीं सकते थे, प्रमोशन कोर्स में गया जब तो वहां पे मेरी प्रॉब्लम थोड़ी दोबारा बढ़ गई थी क्योंकि वहां पे खान पान मिल ही नहीं पाया बिल्कुल भी और उसकी वजह से दर्द फिर दोबारा बढ़ गया था। और आने के बाद फिर जब प्रॉपर किया तो अब कोई समस्या नहीं, बिल्कुल वजन भी मेरा अब 73-74-70 इस बीच में घूमता रहता है, अब बिल्कुल मैं सही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से।
घुटने में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, जो भी अनुभव उनका है, एक सवाल पूछना चाहते, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं जी, तो आपने आपके डिपार्टमेंट में कोई इन्फ्लुएंस करने की ट्राई की, कितनों ने सुना और क्या उनका क्या ओपिनियन है करने के बारे में? इसके बारे में मैंने बहुतों को करवाया भी है और कुछ ने किया भी है फॉलो, और उनको आराम भी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको मानते नहीं है बिल्कुल भी, वो अपने तरीके से अपने घर के नहीं मानते, घर के नहीं मानते। मेरी मिसेज बैठी है, माता जी जानते हैं, सीमा बैठी हो, तो जब से लेके इन्होंने भी नहीं माना। मेरे पिताजी को मैं यहाँ माता जी के पास लेके आया था पहले, वो भी अपना ज्ञान चलाने लगे, नहीं मानती, मतलब समझाना बहुत मुश्किल है। जब खुद यहाँ पे आए हैं तो ये इस बात के हकीकत में तो यही है कि जिसका पुण्य का उदय हुआ वो ये इसी के लिए साधना है, सबके लिए नहीं है, तो ये आप समझ लीजिए। आप लोग यहाँ आए हैं, आपका कोई बड़ा पुण्य था इसलिए आप यहाँ आए हैं, और टिक जाएंगे तो आप कुछ पुण्यशाली जीव जो इस पृथ्वी ग्रह पे हैं उसमें आप भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो पूरे दिल से समझिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको हार्ट एंड सोल करें। और कोई